आप सबों को जयेशु। 22 जुलाई को माता कलीसिया संत मरियम मगदलेना का पर्व मनाती है। परंपरा के अनुसार बहुत लोग उसको पापिनी स्त्री समझते थे। मीडिया भी ऐसा ही दर्शाया है और मैं भी ऐसा ही सोचती थी। लेकिन संत थॉमस अक्विनस उसको प्रेरितों का प्रेरित कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु जी उठने के बाद पहली बार उसको दर्शन दिए और कहा, जाओ मेरे शिष्यों को कहो कि मैं जी उठा हूँ। संत पापा फ्रांसिस 2016 में उसको संत घोषित किया और 22 जुलाई को उसका पर्व ठहराया है। सचमुच में मरियम मगदलेना कौन थी? चारों सुसमाचार ध्यान से पढ़ने से मालूम होता है कि वह पापिनी स्त्री नहीं थी और यीशु का पैर कभी नहीं धोई। लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 के अंतिम भाग में एक पापिनी स्त्री के बारे में सुनते हैं, लेकिन वह मरियम मगदलेना नहीं हो सकता है, क्योंकि अध्याय 8 के शुरुआत में पहली बार मरियम मगदलेना के नाम का परिचय दिया है। यीशु उनसे 7 दुष्टात्माओं को निकाले थे। लोग सोचते थे कि बीमारी दुष्टात्मा के कारण होता है, इसलिए वह कोई गंभीर बीमारी से लाचार थी, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट सहती थी। यीशु से मिलकर उसको पूर्ण चंगाई और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हुआ और वह यीशु के एक प्यारी शिष्य बन गई। मगदला उस शहर का नाम है जहाँ वह रहती थी। उधर के लोग मछली पकड़ने वाले थे। शायद मरियम भी मछली का व्यापार करने वाली थी। यीशु से मिलकर पूर्ण चंगाई प्राप्त होने के बाद और महिलाओं के साथ जैसे योहन्ना सुसन्या प्रभु यीशु और 12 शिष्यों के साथ गांव गांव शहर शहर घूमती थी और उनके सेवा करती थी। ये महिलाएं गलीलिया से लेकर कलवारी पहाड़ तक यीशु के साथ थे। दुख भोग के समय योहन को छोड़कर बाकी सब शिष्य भाग गए, लेकिन मरियम मगदलेना और महिलाएं क्रूस के नीचे खड़ी यीशु के मृत्यु और दफन में भाग ली। पुनरुत्थान के दिन सवेरे मरियम कब्र के पास गई। यीशु का शरीर को लेपन करना चाहती थी, लेकिन खाली कब्र को देखकर डर गई और दौड़कर पेत्रुस और प्यारे शिष्य को खबर दिए। वे भी आकर खाली कब्र को देखे और चले गए, लेकिन मरियम कब्र के आसपास खड़ी रही, आंसू बहाकर यीशु के शरीर को खोजती रही। उस समय यीशु उनको दर्शन दिए और उसका नाम लेकर पुकारा, मरियम। यीशु का आवाज सुनकर मरियम उसको पहचान लिया और जवाब दी, रबोनी, जिसका अर्थ है मास्टर, और यीशु के चरणों पर गिर पड़ी। यीशु ने उनसे कहा, जाओ और मेरे भाइयों को कहो कि मैं जी उठा हूँ, और मरियम ने ऐसा ही किया। जाकर प्रभु यीशु के शिष्य जो डर के मारे बंद कमरे में थे, यही खुशखबरी सुनाई, यीशु जी उठा है, मैंने उसको देखा है। इसी प्रकार मरियम पुनरुत्थान की प्रथम साक्षी बनती है और प्रेरितों का प्रेरित नाम भी उसको मिला है। पहले मरियम मगदलेना का नाम सुनने से एक नकारात्मक सोच मन में उत्पन्न होता था, लेकिन अभी वह सकारात्मक और प्रेरणा का स्रोत बन गई है। मरियम मगदलेना किस प्रकार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है? यीशु के प्रति गहरा प्यार, प्रेरणादायी कार्य में उत्साह,
एक साहसी कर्मठ और ईमानदार महिला माँ मरियम के साथ मिलकर प्रारंभिक कलीसिया में महिलाओं का नेतृत्व संत मरियम मक्दलेना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी आपके समान प्रभु यीशु के एक प्यारा प्यारी शिष्य बन सके और हमारे जीवन द्वारा पुनरुत्थान का खुशखबरी दूसरों के साथ बांटते रहें। धन्यवाद।